दोस्तों क्या आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया यानी भारत का लौह पुरुष क्यों कहा जाता है और हमारे देश में स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर ही क्यों बनाया गया है। इसलिए बनाया गया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री थे और प्रथम गृह मंत्री थे जिसको हम लोग इंग्लिश में होम मिनिस्टर बोलते हैं। लेकिन उन्हें लौह पुरुष क्यों कहा जाता था और लौह पुरुष क्यों कहा जाता था, इतनी बड़ी स्टैचू क्यों बनी गई। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा स्टैचू 182 मीटर का बना हुआ है जो नर्मदा नदी के तट पर बना हुआ है, वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी। क्यों बना है? क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री तो थे लेकिन ये क्या किए थे, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय हमारा देश जो है 562 रियासतों में बंटा हुआ था। अंग्रेजों के ज़माने में क्या था, 562 रियासतों में बंटा हुआ था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल अकेले वो इंसान थे जिन्होंने इन 562 असेंबली को, 562 रियासतों को पूरे भारत में मिला कर रखे। इसमें से क्या हुआ था, कुछ रियासतें जो है पाकिस्तान और नेपाल में विलय होना चाहती थी, जैसे जूनागढ़ का किला, हैदराबाद हो गया, कश्मीर हो गया, और कुछ रियासतें जो हैं जो पाकिस्तान और नेपाल और अदर कंट्री में विलय होना चाहते थे, यानी उसमें मिलना चाहते थे, भारत में नहीं मिलना चाहते थे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के भरपूर प्रयत्न के कारण ही हमारे देश में ये विलय हो गए। तभी हम लोग कह पाते हैं कि हमारे देश में 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो पहले हम लोग 29 बोलते थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश बोलते थे, लेकिन इसको अब तोड़ तोड़ के अलग अलग करके 28-29 बना दिया गया है। तो ये था सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष क्यों कहा जाता है। इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो सब काम करके गए हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जब मरे थे ना, उस समय उनकी बैंक बैलेंस भी 260 रुपये थे, उससे ज़्यादा उनका बैंक बैलेंस नहीं था। और जब उनके घर की तलाशी की गई उसमें 1000 रुपये का भी नोट नहीं मिला। और ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं उनका अपना भी मकान नहीं था, वो किराए के मकान में अहमदाबाद में रहा करते थे। और इस तरह की वीडियो अगर हमेशा आप देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नया वीडियो अपलोड हो तो सीधा नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए।